यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो देहरादून से अगली बड़ी खबर भी प्लाज्मा की कीमतें निर्धारित की गई हैं। जो प्लाज्मा डोनेट करते हैं प्लाज्मा की कुछ कीमतें निर्धारित की गई हैं। राज्य सरकार ने निर्धारित की हैं दरें, जो कीमतें हैं वो तय कर दी गई हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर दरें निर्धारित की गई हैं। ये भी एक बड़ी खबर क्योंकि संक्रमित हो रहे हैं बड़ी संख्या में लोग, ऐसे में प्लाज्मा डोनेट किया जा रहा है। अब दरें निर्धारित कर दी गए हैं। रवि कैंतूरा हमारे संवाददाता इस पर भी आपको ज्यादा जानकारियां देंगे। रवि, जो कीमतें तय की गई हैं ये किस आधार पर और किस तरह क्या क्या की गई हैं? जो ठीक हो चुके जो मरीज हैं कोविड के उनसे प्लाज्मा लिया जाता है और ये जो प्लाज्मा है ये कोरोना मरीजों से मुफ्त में लिया जाता है, लेकिन मशीनों के खर्चे को देखते हुए ये दरें जो है तय की गई है। उत्तराखंड के जो प्राइवेट अस्पतालों में जो भर्ती मरीज हैं और सरकारी मेडिकल कॉलेज से अगर प्लाज्मा लेते हैं तो उन्हें 12,000 देने पड़ेंगे और नॉन कोविड अस्पताल में अगर वो भर्ती हैं तो प्लाज्मा लेने के लिए उन्हें 9,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से दरें तय की गई हैं क्योंकि मशीनों के इस्तेमाल का जो खर्चा है उसको देखते हुए ये दरें तय की गई हैं। लेकिन एक इसमें अच्छी बात है क्योंकि प्लाज्मा की काफी कमी है और ऐसे में लोगों को प्लाज्मा मिल सकेगा क्योंकि जो कोविड मरीज स्वस्थ हो गए हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं, उनसे ही ये प्लाज्मा लिया जाता है। हालांकि उनसे ये मुफ्त में लिया जाता है लेकिन जो प्लाज्मा लेगा उनको ये दरें चुकानी पड़ेंगी। जी रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर ये दरें निर्धारित की गई हैं, तो मनमानी कीमतें नहीं वसूली जाएंगी, अब एक कीमत एक दर तय कर दी गई है। राज्य सरकार ने निर्धारित की हैं दरें, जो कीमतें हैं वो तय कर दी गई हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर दरें निर्धारित की गई हैं। ये भी एक बड़ी खबर क्योंकि संक्रमित हो रहे हैं बड़ी संख्या में लोग, ऐसे में प्लाज्मा डोनेट किया जा रहा है। अब दरें निर्धारित कर दी गए हैं। रवि कैंतूरा हमारे संवाददाता इस पर भी आपको ज्यादा जानकारियां देंगे। रवि, जो कीमतें तय की गई हैं ये किस आधार पर और किस तरह क्या क्या की गई हैं? राजी, जो ठीक हो चुके जो मरीज हैं कोविड के उनसे प्लाज्मा लिया जाता है और ये जो प्लाज्मा है ये कोरोना मरीजों से मुफ्त में लिया जाता है, लेकिन मशीनों के खर्चे को देखते हुए ये दरें जो है तय की गई है। उत्तराखंड के जो प्राइवेट अस्पतालों में जो भर्ती मरीज हैं और सरकारी मेडिकल कॉलेज से अगर प्लाज्मा लेते हैं तो उन्हें 12,000 देने पड़ेंगे और नॉन कोविड अस्पताल में अगर वो भर्ती हैं तो प्लाज्मा लेने के लिए उन्हें 9,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से दरें तय की गई हैं क्योंकि मशीनों के इस्तेमाल का जो खर्चा है उसको देखते हुए ये दरें तय की गई हैं। लेकिन एक इसमें अच्छी बात है क्योंकि प्लाज्मा की काफी कमी है और ऐसे में लोगों को प्लाज्मा मिल सकेगा क्योंकि जो कोविड मरीज स्वस्थ हो गए हैं, डिस्चार्ज हो गए हैं, उनसे ही ये प्लाज्मा लिया जाता है। हालांकि उनसे ये मुफ्त में लिया जाता है लेकिन जो प्लाज्मा लेगा उनको ये दरें चुकानी पड़ेंगी। जी रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर ये दरें निर्धारित की गई हैं, तो मनमानी कीमतें नहीं वसूली जाएंगी, अब एक कीमत एक दर तय कर दी गई है।